हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास का मैथमेटिक्स का कोर्स स्ट्रक्चर 2021 का। ठीक है, हम इसमें ये देखेंगे कि 12th क्लास में मैथ्स की कितनी बुकें हैं और कौन कौन सी यूनिट्स हैं, किस किस यूनिट में कितने चैप्टर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 12th क्लास में हमारे दो बुकें होती हैं। बुक वन, जैसे ये बुक वन है, ये देखो आपके बुक वन दिख रही होगी आपको। बुक वन में छः चैप्टर हैं आपके। बुक वन में कितने चैप्टर हैं? छः चैप्टर हैं। ठीक है, और ये है बुक टू। ठीक है, इस बुक में आपको कितने चैप्टर दिख रहे हैं? इस बुक में आपके 7 से लेकर 13 चैप्टर हैं। मतलब इस बुक में 7 चैप्टर है। इस बुक में कितने चैप्टर हैं? 7। तो अब आपके दो बुकें हैं 12th में, पार्ट वन पार्ट टू। ठीक है, तो ये दोनों बुकें मिला के टोटल देखो, ये आपका है कोर्स स्ट्रक्चर। इसमें स्कीम लिखी हुई है, तो आप इसमें देखोगे कि क्या है। इसमें 6 यूनिट डिवाइड है। कितनी यूनिट है इसमें? इसमें आपकी 6 यूनिट है। 6 यूनिट में सबसे पहला जो यूनिट है, यूनिट वन है, वो है रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये है 8 मार्क्स का। ठीक है, तो ये यूनिट वन है 8 मार्क्स की आपकी। फिर यूनिट टू है आपकी एलजेब्रा। एलजेब्रा आपकी कितनी मार्क्स की है? 10 मार्क्स की है। एलजेब्रा कितनी मार्क्स की है? 10 मार्क्स की। थर्ड यूनिट है आपकी कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर 35 मार्क्स है। सबसे ज़्यादा यूनिट यही है मार्क्स की, क्योंकि इसमें 35 मार्क्स हैं और इसमें चैप्टर भी ज़्यादा होंगे आपके। फिर फोर्थ यूनिट है आपकी वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये है 14 मार्क्स की। ये आपकी कितनी मार्क्स की है? 14 मार्क्स की। फिर आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग है आपकी 5 मार्क्स की। लीनियर प्रोग्रामिंग कितने मार्क्स की है आपकी? 5 मार्क्स की है। फिर है आपकी प्रोबेबिलिटी। लास्ट यूनिट, 6th यूनिट कितनी है? 8 मार्क्स की है। तो इस तरह आपकी जो पूरी बुक है वो यूनिट्स में डिवाइड है। अब हर यूनिट में कितने चैप्टर हैं, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट वन। यूनिट वन में हमने अभी देखा था, यूनिट वन कितनी मार्क्स की है? 8 मार्क्स की। यूनिट वन कितनी मार्क्स की है? 8 मार्क्स की है। यूनिट का टॉपिक क्या था? रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें जो पहला चैप्टर है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, वो आपका पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शन, जो आपने 11th में ही पढ़ा था। 11th में हमने इसमें क्या पढ़ा था? इसमें हमने पढ़ा था कि भाई रिलेशन क्या होते हैं, फंक्शन के बारे में पढ़ा था हमने, डोमेन रेंज निकालना सीखा था। तो ये था आपका फर्स्ट 11th क्लास में। यहाँ थोड़ा सा इसके टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे हम। ठीक है, दूसरा जो चैप्टर है, जो सेकंड चैप्टर है पहली बुक का, वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कौन सा है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो जो आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, ये उसका इन्वर्स फंक्शन आ जाएगा। बस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत 11th का भी यूज करेंगे और कुछ नए टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो ये टोटल फर्स्ट यूनिट है जो कि 8 मार्क्स के। इसमें 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर 1 चैप्टर 2। तो ये थी यूनिट 1। अच्छा, अब देखते हैं यूनिट 2। देखो ये है यूनिट 2। यूनिट 2 में आपको 2 चैप्टर दिख रहे होंगे। ये है 10 मार्क्स के। ये दोनों चैप्टर कितने मार्क्स के? 10 मार्क्स के। और ये है थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर। थर्ड चैप्टर कौन सा है? मैट्रिसेस। थर्ड चैप्टर कौन सा है? मैट्रिसेस। ये बिल्कुल नया चैप्टर है और इजी चैप्टर है, आप आराम से कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चैप्टर 4, जिनको मैट्रिक्स आती है वो डिटरमिनेंट भी कर लेंगे, क्योंकि उसके बेस पे ही है। तो चैप्टर 4 है डिटरमिनेंट्स। ठीक है, ये यूनिट 2 है, एलजेब्रा के अंदर आती है ये। एलजेब्रा 10 मार्क्स की है और उसमें चैप्टर कौन कौन से हैं? 3 और 4। फर्स्ट बुक के चैप्टर 3rd और 4। फिर आपका है यूनिट 3rd। ये है यूनिट 3rd। ठीक है, यूनिट 3rd हमारा टॉपिक क्या था? कैलकुलस। सबसे ज़्यादा है कैलकुलस। कैलकुलस 35 मार्क्स की है। देखो कैलकुलस में कितने मार्क्स लिखे हैं? 35। अब ये 35 कितने चैप्टर के हैं? 5 चैप्टर के। 2 चैप्टर इस बुक में हैं, 3 चैप्टर दूसरी बुक में हैं। तो इस बुक में जो चैप्टर है वो है 5th और 6th। 5th है आपका कॉन्टीन्यूटी एंड डिफ्रेंसिबिलिटी। 11th क्लास में आपने 13 चैप्टर पढ़ा था, जिसमें आपने लिमिट निकालना सीखा था, डेरिवेटिव निकालना सीखा था। तो उसका और यूजेस यहाँ पे, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, कंटिन्यूटी चेक करना, तो इसमें वो सीखेंगे। ये है चैप्टर 5th। ठीक है, चैप्टर 6th एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आपने डेरिवेटिव सीख लिया, उसके एप्लीकेशन क्या क्या है। अब इसमें आपके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आएगा, रेट ऑफ चेंज आएगा, आपका मैक्सिमम मिनिमम आएगा, टेंजेंट नॉर्मल, ये सब टॉपिक हैं इसके। तो ये चैप्टर 6th है। ठीक है, ये है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। अब ये यूनिट 3 के 2 चैप्टर ये है और ये आपकी पहली बुक, ये आपकी पूरी पहली बुक थी जिसमें 6 चैप्टर थे। अब देखो ये है आपकी दूसरी बुक। दूसरी बुक में 7 चैप्टर हैं। अब 7 चैप्टर देखो कौन कौन से किस यूनिट के अंदर थे। तो देखो दूसरी बुक का जो पहला चैप्टर वो कौन सा है? इंटीग्रल्स। ठीक है, उसके बाद है 8th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, मतलब जो आपने इंटीग्रेशन सीखी है उसका यूज सीखेंगे हम। फिर चैप्टर 9 कौन सा है? डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर 9 कौन सा है? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपने 2 चैप्टर वहाँ पढ़े थे कैलकुलस के, और कैलकुलस के 3 चैप्टर ये है, क्योंकि ये तीनों इंटीग्रेशन बेस्ड है। इंटीग्रेशन बेस्ड कैसे? अगर आपको 7 चैप्टर आता है, मतलब वो 7 चैप्टर आपको आता है, तो आप 8 भी कर लोगे और 9th भी कर लोगे, क्योंकि ये दोनों
बेस्ड है 7th पर, तो थोड़े बहुत टॉपिक यूज होंगे, मतलब इंटीग्रेशन तो होगा ही होगा, तो आपको इंटीग्रेशन आना जरूरी है। तो 7th 8th 9th इंटरलेटेड है, तो आपको ये एक चैप्टर आएगा तो दो चैप्टर इजीली कर लोगे। तो ये दो चैप्टर और पीछे वाले, ये तीन चैप्टर और पीछे वाले दो चैप्टर मिला के कितने हो गए, 35 मार्क्स के चैप्टर हो गए। तो यूनिट जो थ्री थी वो थी आपकी 35 मार्क्स की, सबसे ज़्यादा मार्क्स की यही है, वेटेज इसका सबसे ज़्यादा है। फिर यूनिट फोर आपकी 14 मार्क्स की है। यूनिट फोर में हमने क्या देखा था, वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये 14 मार्क्स की थी। तो इसमें दो चैप्टर आएंगे, एक तो आएगा वेक्टर्स चैप्टर 10, चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो चैप्टर 10 वेक्टर्स, इसमें बेसिक बेसिक वेक्टर्स सीखेंगे, और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में लाइंस के बारे में, प्लेन्स के बारे में, डिफरेंट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, ये आपका इस यूनिट्स में होगा। और यूनिट कितने मार्क्स की है, 14 मार्क्स की है। अब आता है आपका यूनिट फाइव है लीनियर प्रोग्रामिंग। यूनिट फाइव क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये है 5 मार्क्स की, ये आपको दिख रहा होगा 5 मार्क्स है इसमें। अब ये 5 मार्क्स के, तो ये किससे चैप्टर से रिलेट करता है, 11th की, ये 11th की 6 चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज, जिसमें आप ग्राफ बना के शेड कर देते हैं एक तरफ, बस उसमें शेडिंग का काम था। यहाँ पे थोड़ा और सीखेंगे, कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे और फिर उसकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो निकालेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा और सीखेंगे, और ये इजी चैप्टर, बहुत ईजी चैप्टर ये। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जैसे 6 चैप्टर में, जैसे कि 11th क्लास में 6 चैप्टर आसान था, वैसे इसमें ये चैप्टर आसान है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग कितने मार्क्स की, 5 मार्क्स की, एक क्वेश्चन आएगा। यूनिट 6 है प्रोबेबिलिटी। भाई प्रोबेबिलिटी आप 9th 10th 11th 12th पढ़ते आ रहे हो, अब यहाँ थोड़ा सा थ्योरम्स होंगी प्रोबेबिलिटी में, और अलग क्या होगा, यहाँ पे थ्योरम्स यूज़ करोगे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, जैसे बेस थ्योरम हो गया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो गई, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरम यूज़ करेंगे हम। तो ये वहाँ यहाँ पे आएगा, ये 8 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी है यूनिट 6 आपकी, लास्ट यूनिट 6 यूनिट, ये है 8 मार्क्स की। तो इस तरह से आपकी पहली बुक और दूसरी बुक मिला के टोटल जाएगी 80 मार्क्स की, ठीक है। तो मैंने आपको भी आज क्या बताया, मैंने आपको बताया यूनिट वाइज कितने, हर यूनिट कितने मार्क्स की है, और किस यूनिट में कितने चैप्टर हैं, ठीक है, और कौन कौन से चैप्टर आपको इजी लगेंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो पता लग जाएगा कि कैसे हमें करना है। तो सबसे पहले आप कोई भी, जो भी टॉपिक पढ़ते हो, कोई भी बुक पढ़ते हो, आप कोई साइंस पढ़ते हो या फिजिक्स या बिजनेस अकाउंट्स, तो सबसे पहले उसका सिलेबस पता करोगे, सिलेबस क्या है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का, क्योंकि जब एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं एग्जाम के लिए कि भाई ये करना है, पहले ये करेंगे, ये ज़्यादा मार्क्स का है तो इससे पहले कर लेते हैं, ये कम मार्क्स का है तो बाद में कर लेते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले आपको सिलेबस डिस्कस करना होता है, तो इसलिए मैंने आज आपके लिए सिलेबस डिस्कस करा है। तो आई होप आप इसे अच्छी तरह अपनी कॉपी में नोट कर लें, और जब भी कोई एग्ज़ाम हो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें और इसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करें, ठीक है। चलो ओके बाय।